नमस्कार, जय भूमिपुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वे। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लखनऊ में हुई शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी दुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्ष सदस्य और शहर के बहुत से प्रतिष्ठित नागरिकों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा की गई। लखनऊ थाना प्रभारी महादेव नागोतिया, SDOP अरविंद श्रीवास्तव, तहसीलदार भावना मलगाम एवं जनप्रतिनिधि गण उपस्थित रहे। अधिकारियों ने कहा कि किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देकर भाईचारे से त्यौहार मनाया जाए। इसके अलावा विद्युत, साफ सफाई, यातायात, साउंड सिस्टम के अलावा ऐसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। पहले तो यहाँ पे क्या है कि जो खुला जानवर है और यहाँ बहुत अधिकांश कुत्ते मतलब थोड़े पागल भी हो गए हैं, तो क्या है यहाँ पे इस समय पे सुबह सुबह महिलाएं और बच्चियाँ जल चढ़ाने के लिए जाएंगी, तो उस वजह से मैंने देखा है कि बच्चियाँ जानवरों से डर जाती हैं अंधेरे में, और कुत्ते भी कई बार भूखने लगते हैं, और कुछ जगह पे मैंने देखा है कि लाइट नहीं है, लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, और इस समय जल चढ़ाने के लिए अधिकांश 5 बजे के करीब महिलाएँ जल चढ़ाने जाती हैं। तो मैंने अपनी बात रखी यहाँ पर और मैंने ये बोला यहाँ पे कि सर को कि सर लाइट की व्यवस्था और ये जो आभारा जानवर हैं इनको थोड़ा आप देखें, और हमारे देखा है मैंने कि अधिकांश लोग गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हैं, तो इस समय पे क्या है रोडों पे भीड़ बहुत होती है नवरात्रा के कारण, तो मैंने सर से कहा कि कुछ जगह पे बहुत गणमान्य नागरिक और शांति स्थापना के संबंध में जो समितियाँ हैं उनके सब अध्यक्ष वगैरह सब उपस्थित थे, विभिन्न विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे, सभी के समक्ष चर्चा की गई। सुरक्षा के बारे में उन्हें समझाइश दी गई है कि किस तरह से मूर्ति स्थापना की जाए, किस तरह से आवागमन को सुव्यवस्थित किया जाए, विसर्जन के दौरान क्या सावधानियां रखी जाएंगी, टेंट लगाने में या विद्युत व्यवस्था लगाने में क्या उपयोग किया जाए, ध्वनि यंत्रों का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए आदि संबंध में जो सुरक्षा है उस संबंध में चर्चा की गई और सभी को समझाइश दी गई। आगामी जन जो थे उनके द्वारा भी आश्वस्त किया गया है कि वो विधिवत रूप से प्रशासन की सहायता करेंगे। सिवनी से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।